फिर एक बार बहुत ही अलग अंदाज में नजर आने वाली है हमें आशा नेगी तो सबसे पहले वेलकम टू आर चैनल आज तक एंड सान बेटिया अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए जो कि मुझे लगता है कि इससे पहले जितने भी आपने कैरेक्टर्स किए हैं उनसे सबसे डिफरेंट है यार ये कैरेक्टर ना आई मीन I mean, uh, मैंने आई थिंक मोस्टली जिन कैरेक्टर्स में लोगों ने मुझे देखा है वो बहुत ही स्वीट सिंपल एंड यू नो हार्मलेस टाइप के हैं इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्ररी है मेरा कैरेक्टर और लोगों को Suspicious. कुछ या 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 सो so, लोगों को कुछ अलग देखने को मिलेगा इस कैरेक्टर में मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकती बट डेफिनेटली uh, अलग है फ्राम वॉट आई हैव डन बिफोर क्योंकि कहानी पूरी मर्डर मिस्ट्री है थ्रिलर है सो काफ़ी सस्पेंस होने वाला है और uh, कैसे यू you नो know, मेरा कैरेक्टर भी उस सस्पेंस और उस कहानी के साथ साथ चलता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमेशा पर्दे पर रहती हैं इस जो सीरीज़ में है आप पर्दे के पीछे का किरदार निभा रही हैं mm -hmm. फोटोग्राफर बनी है तो उसके बारे में बताइए कि क्या सीखा आपने फोटोग्राफी की स्किल्स और क्या कुछ आपको पता था पहले से उस टाइम पे मैंने थोड़ा कैमरा के साथ छिड़खानी की कि यू नो ताकि मैं सीन्स करते हुए अनकम्फर्टेबल ना लगूँ कैमरे के साथ लगे कि हाँ भाई फोटोग्राफ़र है उस टाइम में इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा भूत भी चढ़ा था मुझे लगा था कि मैं भी ले लूँ अपने लिए कैमरा प्रोफेशनल कैमरा और फोटोशूट ऐसी करना शुरू कर दूँ बट वो बहुत उतर गया टाइम बट हाँ थोड़ा सा मैंने अपने फ्रेंड्स फोटोग्राफर फ्रेंड्स से हे, हेल्प ली थी कि कैमरा कैसे और यू नो अपना एक स्टाइल डालना चाहती थी फ़ोटोग्राफ़र जो प्ले कर रही हूँ उसमें सो यही थोड़ा बहुत किया मैंने तो पहले तो आ, कैमरे पीछे के पीछे की अगर मैं बात करूँ तो किस किस लोकेशन पे आपने इस सीरीज़ को शूट किया है और क्या कुछ चैलेंजेस एज अ कैरेक्टर जो आप प्ले कर रही हैं उसमें आपने फेस किए मुंबई में किया है और हमने जो पे दिखाया गया है मॉलिवस ठीक ऐसा जगह सुन के और सोच के तो सब था ना वाओ कितना मज़ा आया होगा हो बट ऑनेस्टली आउटडोर शूट में काफ़ी हेक्टिक हो जाता है <laughs> लेकिन मज़ा बहुत आया था फिर भी बिकॉज़ हेक्टिक इसलिए क्योंकि हम बीच पर हैं थ्रू आउट और इतना सन इतनी धूप और अगर यॉट में भी शूट कर रहे हैं वो यॉट चल रही है बाल मुंह पे आ रहे हैं और वो सब बाल पूरे ख़राब हो चुके हैं जगह नहीं है यॉट में कहीं पे बाल वापस से कवल करने की तो ये सब डिफिकल्टीज आती है बट फिर भी बहुत मज़ा आया था हमने बहुत मज़े किए अगर मैं सीरीज़ की बात करूँ तो एक जिस्ट में अगर आप वन लाइन में अगर अपने इस सीरीज़ को दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक्चुअल कहानी क्या होगी जो बांध कर रखेगी लोगों को इसको देखने के लिए Oh. मुझे थोड़ा केयरफुली वो करना पड़ेगा कहीं मैं कुछ लीक ना कर दूँ बट <laughs> <laughs> uh, एक मर्डर है होता है इस हनीमून ट्रिप पर और uh, अब मेरा कैरेक्टर जो है वो उसमें बेफालतू में फंस जाता है या फिर सही अच्छी बात है कि फंस जाता है किलर मैं हूँ या नहीं हूँ और अगर मैं नहीं हूँ तो कौन है इज़ वॉट हनीमून फोटोग्राफ़र इज़ अबाउट तो ऐसे ही लेयर्स हैं जो एक एक करके खुलते रहेंगे और काफ़ी एंटरटेनिंग है कहीं आप तो नहीं चली गई हनीमून पर आ, अच्छा <laughs> मतलब ये तो आपका शो देख के पता चलेगा <laughs> अच्छा मैं अगर आपकी जर्नी की बात करूं जैसे आपने टीवी की दुनिया से शुरू किया है और आप जैसे कि ओटीटी टी प्लेटफॉर्म कई सारे आ गए हैं तो अभी आप ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर भी हैं तो क्या डिफरेंस है जब आप प्रोजेक्ट्स की आ, स्टोरी सुनती हैं या फिर अगर हम शूट की बात करें या हम पूरे प्रोसेस की बात करें तो कितना कुछ डिफरेंट है टीवी की दुनिया से ओटीटी की दुनिया में यार आई थिंक ओटीटी में जब आप कर रहे होते तो, तो आप एक शो कर रहे हो दो चार महीने हुए मैक्स तीन महीने या चार महीने मैक्स एंड देन आर डन विद इट फिर आप एक ब्रेक ले लो छुट्टी बना लो फिर कुछ नया पकड़ लो अच्छा फिर उसको दो तीन महीने दे दो तो ये रिफ्रेशमेंट्स आते रहते हैं ओ टी टी में बट अगर आप एक टेलीविजन पे शो कर रहे हो फिर वो आपको नहीं पता कब तक चलेगा या चलता भी रहेगा यार चलता भी रहेगा यार जो भी है बट अगर आप कहीं ना कहीं ना एक क्रिएटिविटी आपकी वो हो जाती है हैम्पर हो जाती है उसमें आप सेम चीज़ कर रहे हो रोज कर रहे हो तो, आ, तो ये है डिफ्रेंस स्क्रिप्ट के लिए हाँ कैसे कहा जब आपके पास आई तो क्या ऐसा एक पॉइंट लगा कि आपको लगा कि ये शो करना चाहिए uh, पहले जब मेरी मीटिंग हुई थी जूम मीटिंग में तो मैंने कहानी सुनी समझी ठीक है फिर उसके बाद आई थिंक द सेकेंड टाइम आई वेंट टू द डायरेक्टर उनसे मिलने के लिए अबाउट उन्होंने फिर मुझे और ब्रीफ दिया एंड तब मुझे लगा कि आई थिंक आई आई वॉन्ट टू गो अहेड विद द शो बिकॉज कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी बहुत इंट्रीगिंग लगी बहुत लाइक प्रॉपर सस्पेंस थ्रिलर एंड Uh, जब वो मुझे किरदार भी समझा रहे थे तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था मुझे लगा कि यार दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड वांट टू डू कि ये तो मैं नहीं जाने दे सकती सो so, मुझे नहीं लगा कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं मना करने का कोई रीज़न ही नहीं पता चला आई हैव टू डू इट अगर मैं बात करूँ जैसे कि आपने एक रोल प्ले किया था पवित्र रिश्ता में जिसे लोग आज तक मतलब याद रखते हैं अगर हम सोशल मीडिया पर भी कहीं देख लें तो वो उसी एरा की जो है कि रील्स वगैरह भेजते उसके बाद ऐसा कोई कैरेक्टर आपको लगा कि आपने एकदम हुक कर लिया हो कि उसके बाद अगर किसी कैरेक्टर में मैं अपने आप को देखूँगी तो वो ये कैरेक्टर है देखूंगी तो मैं अपने आप को पवित्र रिश्ता वाले कैरेक्टर में भी नहीं <laughs> वो तो बहुत मतलब त्याग की देवी थी वो तो है ना पति भी दे दिया था उस कैरेक्टर में भी नहीं देख सकती बट हाँ हर एक कैरेक्टर में थोड़ी थोड़ी मैं तो हूँ hmm. like hmm. yes. मुझसे कितनी बार पूछते है कि हैं हैं कि कब आएगा? करते लोग, yeah, yeah, तो yeah, लो, yeah, yeah, है बहुत बहुत so, फिर और भी जितने भी शोज है मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन सब कैरेक्टर में थोड़ी थोड़ी मैं तो हूँ थोड़ा थोड़ा वो तो रहता ही है आप अपनी तरफ से क्या एफ़र्ट्स लेती है जब भी आप एक कैरेक्टर को प्ले करती हो क्योंकि उसमें काफ़ी मेहनत होती है आपको उस कैरेक्टर में अपने आप को ढालना होता है तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखती है कि अच्छा ठीक है मेरी पर्सनैलिटी इस तरीके की लोग जानते हैं पर्सनल लाइफ में तो कैरेक्टर में मुझे इस तरीके से उसको ढालना है आई थिंक एक तो मुझे लगता है वो बहुत अनकॉन्शियसली होता है अनलर्निंग कि जो भी आपने सीखा है जो भी चीज़ें की अब ज़रूरत नहीं है आपके अंदर वो धीरे धीरे आप अनलर्न करते हो एंड यू इवॉल्व एज अ पर्सन तो मुझे लगता है कि अभी जिस स्टेज पे मैं हूँ इफ आई कम्पेयर दैट टू पहले की तो काफ़ी बहुत बदलाव है एंड कम कमिंग बैक टू की किस तरीके का कैरेक्टर uh, थोड़ी बहुत तो रह जाती है hmm. मतलब तुम फुल्ली तो वो एक वो नहीं अभी तक तो ऐसा नहीं आया है कि मतलब कि ऐसा मुझे लगा कि अरे ये तो मैं हुई नहीं बट आई डोंट नो आया भी होगा तो आई एम नॉट श्योर बट मैं कोशिश करती हूँ कि ये अगर ऐसी कोई लड़की होती जैसे जो भी मैंने इसमें प्ले किया है सपोज़ तो वो कैसे सोचती वो कैसे एक्शन लेती मैं उस तरीके से सोचती हूँ फिर अगर मैंने सपोज़ कभी कॉप का कैरेक्टर प्ले किया है जो मैंने अपने प्रीवियस उसमें तो फिर मैं अपना दिमाग उसमें डालती हूँ कि एक जो अगर लड़की है हिमाचल प्रदेश की पुलिस में है और यहीं पली बड़ी है यहीं की है वो किस तरीके से बात करेगी किस तरीके से उसका चलना फिरना या ये सब होगा तो हाँ उस पर वो सब बारीकियाँ थोड़ी बहुत डलती हैं और आई थिंक थ्रू द एक्सपीरियंस वाइल शूटिंग ऑल्सो तुम कहीं ना कहीं वो डालते रहते हो करते रहते हो टी वी सीरील्स हो गया फिल्म भी आपने की है ओ टी टी भी आपने किया है तो आप ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में करना चाहेंगी कि आपको लगता है कि इसमें शायद मैं बहुत अच्छी तरीके से खेल पाऊंगी दिखा पाऊंगी यार yeah, मुझे ना पता नहीं कर पाऊंगी मतलब कर पाऊंगी बट मुझे अब एक्शन फिल्म करनी है hmm. बहुत मन है मुझे करने का लाइक like so, शक्ति को बोलना पड़ेगा हाँ, <laughs> है ना ऐसा <laughs> so, कुछ hmm. हाँ ऐसा कुछ मजा Spide, अभी जैसे कि कपूर खान की जो जो फिल्म आई थी hmm. The The Baking Bakingum Bakingum Brothers, Bakingum उसके बाद भी लोगों लोगों ने मतलब एक पर्सपेक्टिव होता है है का चेंज हो जाता कहीं कहीं ना कैरेक्टर कही को देखने के बाद तो hmm. उसमें भी उनको काफी मिला. Hmm. तो उस तरीके का कर रोल करना चाहेंगे hmm. हाँ, तो कुछ सवाल है शांति क्यों यार क्योंकि क्यों तो मेरी बहुत मेमोरी एग्जैक्ट है उसके साथ कि जब हम स्कूल से वापस आते थे तो सब एक्साइटेड होते थे कि चलो फटाफट से खाना खा लो उसके बाद शांति देखना बैठ के तो हम सब बैठ के घर में बैठ के शांति देखते थे फेवरेट टीवी कार्टून कार्टून छिन फेवरेट टीवी एक्टर साक्षी तनवर ड्रीम जॉब आपका जब वो नाइन्टीज के किरदार होते थे ना तब वो कैसे ऑफिस जाते थे I... तो उस तरीके से अगर आपको 90s के दौरान प्ले करने का मौका मिले कुछ नहीं घर की बहू <laughs> <laughs> जैसे वो कौन सा सारा भाई वैसे सारा दोनों कैसे सास सब बहू आपस में करते रहते थे सब थिंग लाइक दैट ड्रीम डेस्टिनेशन और वेकेशन अगर आप 90s में होती तो जाती 90s में होती तो जाती गोवा टाइप्स कुछ <laughs> वो तो तब हाइप था ना कि मतलब गोवा जाना है या, 90s या, के दौरान फेवरेट 90s सॉन्ग कितने सारे हैं फेवरेट तो मतलब बहुत सारे हैं बट एक दो तीन में ना? ही ना yes लास्टली सास बहू बेटियां और आपके फैंस के लिए मैसेज कि इस वेब सीरीज़ को क्यों देखना चाहिए सास बहू बेटियां सास बहू और बेटियां के साथ तो काफ़ी पुराना रिश्ता है हमारा yes. <laughs> आप लोगों ने हमें बड़े होते हुए देखा है तो आ, सास बहू और बेटिया को बहुत सारा प्यार और जो हमारी ऑडियंस है स्पेशली जो ऑडियंस हमें सास बहू और बेटिया के टाइम से देखती आ रही है उनको ये बोलूँगी कि आपने मुझे जैसे देखा था मैं उससे बहुत ज़्यादा बदल गई हूँ हाँ, तो <laughs> और अभी इस शो में हनीमून फोटोग्राफर में आ रही हूँ सत्ताईस सेप्टेम्बर को ऑन जियो सिनेमा प्रीमियम तो आप प्लीज़ ये शो देखिए और हमें बताइए कि कैसा लगा बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग शो है काफ़ी सस्पेंस है थ्रिलर है और मेरा कैरेक्टर भी बहुत हटके है तो मैं चाहती हूँ कि स्पेशली मेरी जो लॉयल फैंस है ना उस टाइम से मुझे इसमें देखते आ रहे हैं सास बहू और बेटिया में आप भी देखो कि ओ oh, लाइक like, uh, ऐसा कैरेक्टर भी किया है मैंने सो या ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग शोज एंड अपमिंग प्रोजेक्ट थैंक यू सो मच